आप देख रहे हैं यस टीवी। आज यमुनानगर न्यायिक परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 400 से अधिक केसेस आइडेंटिफाई किए गए। आज के मामले में अनेक प्रकार के मामले थे, चेक बाउंस के मामले, साथ ही साथ परिवार में झगड़ा, प्रॉपर्टी विवाद, पति पत्नी के झगड़े इत्यादि। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समय समय पर लोक अदालत के माध्यम से हर प्रकार के केसेस जिनमें समझौता संभव है, ऐसा कैसे होगा, तुरंत निपटारा करवाता है, साथ ही साथ कानूनी सलाह भी देता है। जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में सरकारी वकील भी मुहैया करवाता है। आइए देखते हैं इस बार की लोक अदालत के बारे में स्पेशल रिपोर्ट। जी सर, लोक अदालत के बारे में आपसे थोड़ी जानकारी चाहेंगे। आज चारों तरफ इतनी सारी भीड़ नजर आ रही है, सभी लोगों ने अपने अलग अलग केसेस पुट अप किए हैं, तो उसके बारे में कुछ जानकारी चाहेंगे। आज हरेक वर्ष की 8 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। ये लोक अदालत न केवल यमुनानगर में पूरे देश में चल रही है। हमारे यहाँ यमुनानगर में लोक अदालत के लिए 16 बेंचेस बनाए गए हैं, 3 बेंचेस इसके अलावा बिलासपुर जो सब डिवीज़न की जो कोर्ट है उसमें बनाए गए हैं। आज की लोक अदालत में हर तरह के मामले, पारिवारिक मामले, MACT के जो क्लेम केसेस हैं वो, या फिर मोटर व्हीकल एक्ट के जो चलांस हैं वो, या और भी जिन भी केसेस में दो पक्षों का आपस में समझौते का थोड़ी भी जो गुंजाइश लग रही है, वो सारे केसेस लोक अदालत में टेकअप किए जा रहे हैं। जी सर, थोड़ी जानकारी आपसे भी चाहेंगे इसके बारे में कि आप लोक अदालत के क्या क्या फ़ायदे आपको लगते हैं, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। लोक अदालत एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसमें जो भी मैट्रिमोनियल हैं, MACT केसेस हैं या सिविल नेचर के कोई भी केसेस हैं, आपसी रजामंदी से यहाँ पर उनका निपटान हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आगे जो फ्यूचर की लिटिगेशन हैं वो सारे यहीं पर एक दिन में समाप्त हो जाती है। ये मेरे लिहाज से बहुत ही अच्छा स्टेप है सरकार की तरफ से और अदालतों की तरफ से। ये थी इस समय की बड़ी खबर। यमुनानगर ब्यूरो रिपोर्ट, यस टीवी। समय समय पर देखते रहिए यस टीवी।